ये जो अजबाब थे इसे कहते हैं चैप्टर नंबर वन। हमने दूल्हा दुल्हन कोर्स का ये जो फाउंडेशन है एक महीने वाला, इसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी इसके तीन चैप्टर्स हैं। एक है चैप्टर नंबर वन, दूसरा है चैप्टर नंबर टू और तीसरा है चैप्टर नंबर थ्री। ऐसे ही जो एडवांस कोर्स है उसके भी तीन चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री। पहला जो आपने अभी फाउंडेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर वन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, उसमें सिर्फ आपने निकाह की फजीलत, निकाह के मसाइल, निकाह कब वाजिब होता है, कब फर्ज होता है और कब निकाह नहीं करना चाहिए और कब पैसे उधार लेके निकाह करना चाहिए, ये सारी चीजें आ गई आपकी चैप्टर नंबर वन में। ये सारे सारी बातें और सारे मसले मसाइल आपको हमने चैप्टर नंबर वन में जो है ये पूरे तफसील के साथ में, डिटेल्स के साथ में बता दिए। यहां से जो हमारा चैप्टर नंबर टू शुरू हो रहा है, अब ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो टू है वो है सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना। अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो आप जो लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज करने वाले हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मियां बीवी का जो आप दोनों का सफर है वो कब तक चले। जैसे हमारे गांव में कहावत है, बोले चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसी एक कहावत है, आप लोगों ने भी शायद सुने होंगे, बोले चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो आपका जो अज़्दवाजी रिश्ता है मियां बीवी का वो या तो लॉन्ग लाइफ होगा। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ मीन्स व्हाट, लॉन्ग लाइफ मीन्स आखिरी सांस तक। जैसे आप लोगों ने कभी किसी एकादे नजम में सुने होंगे ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो ये जो जन्म जन्म का साथ रहता है ये खाली गाना गाने से नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए एक लाइफ पार्टनर एक दूसरे का जो चूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी क्वालिटीज देखना पड़ती है और उसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ता है अपनी लाइफ को। तो आप क्या चाहते हैं कि एक तो वो जो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, यानी पूरे जन्म तक वो आखिरी सांस तक चलना चाहिए, या फिर हम हमारे समाज के अंदर बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते, मैं खुद ऐसे वाकियात का गवाह हूं जिसमें सुबह में निकाह हुआ और शाम में तलाक हो गई। मतलब वो जो कहावत है चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, उन्होंने बिल्कुल उसको सच ठहरा दिया, उनकी कहानी जो है सिर्फ शाम तक चली। फिर कभी कभी ऐसा होता है आज निकाह हुआ कल तलाक हो गई, ये हफ्ते में निकाह हुआ था अगले हफ्ते में तलाक हो गई, ये महीने में निकाह हुआ था अगले महीने में तलाक हो गई, एक साल के बाद, दो साल के बाद, चार साल के बाद। मतलब ये है, अभी जैसे आमिर खान का वाकया हम लोगों के सामने है, उसकी पहली बीवी थी, उसके साथ में उसका जो सफर चला कितने दिनों तक चला, उसके साथ में उसका जो सफर चला वो 15 सालों तक, पहली जो बीवी थी उसकी रीना दत्ता नाम था उसका, रीना के साथ में उसका सफर चला 15 सालों तक। 15 साल के बाद उन्होंने 2000 में रीना को डिवोर्स दिया और उसके बाद 2005 में जो है अभी जो है दूसरी बीवी के साथ में उन्होंने निकाह किया अपनी, उनकी जो दूसरी बीवी है। अब उन्होंने किरण राव के साथ में जो दूसरा निकाह किया तो किरण राव के साथ में भी उनका जो सफर चला वो 15 सालों तक। अब किरण राव के भी रवानगी के आदाब हो चुके हैं और ऐसी खबरें मिल रही है हमारे सूत्रों के द्वारा कि जो क्या नाम है उसका, फातिमा सना शेख, उसके साथ में हजरत का तीसरा निकाह होने वाला है। तो इस तरीके से उनका जो सफर था वो कितने सालों तक चला, 15 सालों तक चला। तो ये जो है ना ये यानी जो जिंदगी का सफर है, ये जो मियां बीवी का सफर है, ये इस तरीके से डिवोर्स होना, या जैसे आज के मैं आपको दो वाकियात सुनाता हूँ, जो दो वाकियात मेरे पास में आए उसमें से एक तो हमारा साथी है जिसका निकाह हुआ था आज से 6 साल पहले, उसको भी एक बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने अपने उसके मियां बीवी में बहुत झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी और केसेस वगैरह, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और आपस में उनका तलाक हो चुका है, 6 सालों तक उनका भी सफर चला। ऐसे ही बहुत सारे मसाइल है आज के जमाने में जो है ना, डिवोर्स, तलाक, ये आम है आम। इसकी वजह से ये जो सफर है जिंदगी का, ये सुबह से लेके शाम तक, नहीं तो एक महीने तक, दो महीने तक, चार महीने तक, साल भर तक, या आमिर खान के जैसा जो है 15 साल तक, इस तरीके से सफर चल रहा है और उसके बाद में रवानगी के आदाब हो रही हैं, या दोनों में आपस में लड़ाइयां, झगड़े, डिवोर्स, ये सब क्यों होता है।
एक तो ये होता है, यानी एक एग्जाम्पल तो ये है, और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कपल्स का भी है, ऐसे मियाँ बीवी का भी है, जो मियाँ बीवी के निकाह होकर आप अपने दादा दादी नाना नानी में भी देख सकते हो, आपके अपने महलों में बस्ती में भी आपको ऐसे बहुत से बुढ़ा बुढ़ी मिलेंगे जिनकी शादियां होके 40 साल 50 साल और हो सकता है 60 साल 70 साल हो चुके हैं, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान में किसी किस्म के कोई लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, आज वो पोते पाती नाते नाती वाले जो है हो चुके हैं, उसके बावजूद में भी मियाँ बीवी के दरमियान में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो एक मिसाली है। जैसे मैं आपको चंद मिसालें आज दूंगा। सबसे पहली मिसाल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में हुआ, तो उस निकाह से लेकर तो उनके इंतकाल तक, यानी हजरत खदीजा का जो इंतकाल हुआ वो हुआ सन 10 इसमें नबवी में, नबवी उसे कहते हैं नबुवत के 10वें साल में, यानी टोटल ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो वो होता है तकरीबन तकरीबन दोनों का भी 25 साल का, यानी उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल थी जब आपने हजरत खदीजा से निकाह किया था, फिर आपके जो है नबुवत से पहले के 15 साल और नबुवत मिलने के बाद के 10 साल, ऐसे टोटल मिला के वो होते हैं 25 साल। 25 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में गुजारे, और उन 25 सालों के अंदर दोनों में इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, यानी आपको जब नबी बनाया गया, तो सबसे पहले जिसने ईमान कबूल किया और जिन्होंने कलीमा पढ़ा वो थे माँ खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम को ईमान को कबूल किया। तो आपस में चूंकि इतनी मोहब्बत थी, जब उनका इंतकाल हो गया सन 10 नबवी में, तो उनके इंतकाल के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरे निकाह किए। ये जितने भी निकाह है ना अल्लाह के नबी के जिंदगी में बाद में, ये सारे निकाह आपने उसके बाद में किए, और ये सारे निकाहों के करने का रीजन ये था, क्योंकि अभी आप इस पे से सोच सकते हो कि 25 साल आपने एक ही औरत के साथ में गुजारे, हजरत खदीजा के, और उनकी जिंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया, उनके इंतकाल के बाद चूंकि आप नबी बन चुके थे और आपको अब नबुवत का काम आगे बढ़ाने का था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर आपने हर हर कबीले में इसलिए निकाह किए ताकि उन कबीले वालों को करीब कर सके, यहां तक कि अबू सुफियान की बेटी से भी आपने निकाह किया सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि अबू सुफियान के दिल में नरमी पैदा हो, उसको पता चले कि भाई मेरी बेटी बेसहारा हो गई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहारा दिया। यहूदी सरदार की बेटी को बांदी बना लिया गया, तो अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया हजरत जुवैरिया से, ताकि जो है उस एक निकाह की बरकत से सारे कबीले इस्लाम में ईमान में दाखिल हो सके। तो ये हिकमत थी अल्लाह के नबी के बाकी बात के जो निकाह है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। 25 साल तक, यानी जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ उस वक्त तक, यानी ये हमारे लिए एक मिसाल है, यह है अल्लाह के नबी की जिंदगी 25 साल तक। 25 साल तक अल्लाह के नबी ने उनके साथ में गुजारे, अल्लाह के नबी की यह जिंदगी है। उनके बाद फिर हम और नबियों की भी जिंदगियों के देखेंगे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था हजरत सफूरा के साथ, उन्होंने उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। फिर सहाबा में भी अगर हम देखेंगे तो ऐसी ऐसी आपको लंबे लंबे जो है निकाहों की मिसालें मिलेंगी के जिससे हमको ये पता चलता है कि सहाबा में भी जब वो एक दूसरे से निकाह करते थे तो कैसे रिश्ते निभाते थे। अभी जैसे मैंने एक हफ्ता भर पहले जो है एक वाकया अपने चैनल पे फजाइले आमाल के अंदर जो इश्काल किया गया था, हजरत एक सहाबिया के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर जो है एक सबक दिया हुआ हूँ, यानी वो पूरे वाकये की हमने जो है पूरा उसका उसको क्लियरिफाई किया हुआ है, उस पूरे वाकये को हमारे यानी उसके अंदर हमने जो है हवाले के साथ में उसको पूरा अच्छी तरह से बयान किया, और आप लोगों को जो है वो पूरा वाकिया जो है हमने समझाया हदीस के हवाले से कि हजरत उम्मे हकीम जो है, हजरत उम्मे हकीम ये अबू जहल की बहू थी, यानी उनके बेटे इकरामा की जो है ये बीवी थी हजरत इकरामा की, और लॉन्ग ड्यूरेशन आखिरी सांस तक ये अपने शोहर के साथ में रही। हजरत इकरामा जब शहीद हो गए, जब हजरत इकरमा जंग अजनादीन में शहीद हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने जो है
इसके बाद इद्दत गुजारने के बाद में फिर उनको रिश्ते आ रहे थे, तो उन्होंने फिर उसके बाद दूसरा निकाह किया, लेकिन आखिरी सांस तक मियां बीवी के दरमियान में वो जोड़ रहा, वो प्यार रहा, वो मोहब्बत रही, वो आपस में जो है ताल्लुकात रहे उन दोनों के भी दरमियान। तो ये मिसालें हैं, एक तो मैंने अल्लाह के नबी की मिसाल दिया, दूसरे आपको सहाबा की मिसाल दिया, और भी अगर आप अपने घरों में देखोगे, जैसे आपके नाना नानी है, दादा दादी है। अब मैं आपको मेरे नाना नानी की मिसाल देता हूं। मैंने शायद दो चार दिन पहले ही मेरे चैनल पे मेरे नानी के साथ में एक वीडियो डाला हुआ हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखो आप सब लोग जाके। मेरे नानी की उम्र तकरीबन 80 साल है और मेरे नाना की उम्र जो है तकरीबन 90 साल है, नानी की उम्र तकरीबन 85 साल है, और नाना नानी का निकाह होके तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। यानी आप सोचो मैं उनका नवासा हूं। अब थोड़े दिनों के बाद में मेरा जो बेटा है उसका भी निकाह होने वाला है, तो आप अंदाजा लगाओ कि मैं उनका नवासा हूं। नवासे के बेटे जो है आज वो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, तो मेरे नाना नानी के आपस का जो यानी जो जोड़ है उनका 70 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ में, 70 सालों से, यानी दोनों का जो रिश्ता जो वो जो मैंने अभी आपको नजम पढ़ के सुनाया ना, बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो वो जन्म जन्म का साथ खाली जुबान से नहीं होना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल में होना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर के दोनों की जो 70 साल की जो जिंदगी है, 70 साल की वो दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजार दी है, मतलब उनकी दोनों की जो लाइफ है अगर हम उसको डबल टिबल चौबल ऐसा इस तरीके से गिनेंगे तो तकरीबन वो होता है 4 times, 4 गुना जो उनकी लाइफ है उनकी जिंदगी से वो उन्होंने एक दूसरे के साथ में गुजार दी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ आपस के प्यार, आपस के जोड़, आपस के मोहब्बत की वजह से। और उसके बाद में मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं, मैं भी आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूं, मेरे भी शादी को 24 साल हो चुके हैं, 24 years, ये मेरे शादी को 24वां साल चल रहा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी लाइफ के अंदर जो है अपनी फैमिली के साथ में माशाल्लाह मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचो, इस पर से सोचो जो मैंने अभी आप लोगों से कहा हूं कि मेरे मेरी जो औलाद है, मेरी औलाद अब यानी मेरी औलाद जो है उनकी उम्र शादी की हो चुकी है, उनकी उम्र निकाह की हो चुकी है, तो आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं जब मेरे औलाद की उम्र जो है वो निकाह और शादी की हो चुकी है, तकरीबन जो है 24 साल मेरे मेरे बीवी के साथ में गुजर रहे हैं और आज भी हम लोग माशाल्लाह साथ में ही हैं, आपस में प्यार है, आपस में जोड़ है, आपस में मोहब्बत है, और वो भी इतना प्यार है, इतना जोड़ है, इतनी मोहब्बत है कि मैं मेरे वाइफ के बगैर मशवरे के कोई काम नहीं करता हूं। एक बात याद रखो, कोई भी काम नहीं करता हूं। अभी जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोज वगैरह यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें मैं बहुत सारी बातें चिल्ला चिल्ला के भी कहता हूं और बहुत सारी बातें मैं सख्त भी कहता हूं, तो लोगों को शायद लगता होगा कि यार मौलाना अपने घर में भी ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं मेरे वाइफ का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर मैं किसी का करता हूं तो पहले नंबर पे मेरे नानी का और दूसरे नंबर पे मेरे वाइफ का। इतना हम लोग जो है बगैर मशवरे के, बगैर जो है आपस के सुलह के, यहां तक के घर का जो पूरा खर्चा है, पूरा खर्चा चाहे मैं रहूं मेरे बेटे रहे, हमने एक तरतीब बनाई हुई है कि तीनों भी हर महीने को एक अमाउंट वो लोग अपनी वालिदा के पास, मैं मेरी अहलिया के पास, यानी हम तीनों जो है जमा करेंगे और बाकी फिर उसकी जिम्मेदारी है पूरे घर में क्या लाना है, गोश्त कब मंगाना है, चिकन कब मंगाना है, सालन में क्या बनाना है, रोटी में क्या बनाना है, और मीठा कब हम लोगों को खिलाना है नहीं खिलाना है, वो सब उसकी मर्जी का काम है। फिर तो क्यों ऐसा हुआ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी 24 साल हो चुके हैं, अब मेरे बेटे की का भी जो है कुछ दिनों के बाद में निकाह होगा, तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक सेटिस्फाइड लाइफ जो है जी रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। मेरे नाना ने 70 साल जो है अपनी वाइफ के साथ में गुजार दिए, ऐसे ही जैसे मैंने आपको सहाबा की और नबियों की मिसाल दिया कि अल्लाह के नबी ने 25 साल अपनी बीवी के साथ में गुजारे, हजरत खदीजतुल कुबरा, उस दरमियान में दूसरा निकाह नहीं हुआ, आपस में लड़ाई नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, डिवोर्स नहीं हुआ, ये सब क्यों है। अब पूरे ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताया हूं उसका खुलासा है सिर्फ और सिर्फ लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त में पूरी तरह से उसकी तहकीक, जब जो दिल है वो 100% सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद फिर जो है जो लाइफ पार्टनर चूज किया गया और उसके साथ में शादी हो गई, तो जिंदगी का जो सफर है वो इतने सालों तक जो सुकून से आराम से चल रहा है
वो इन्हीं बुनियादों के ऊपर के, जब तुम एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो उसको आपने कैसे उसको जांचना चाहिए, कैसे उसको परखना चाहिए, उसमें कैसी क्वालिटीज देखना चाहिए, उसके बाद आपने वो लाइफ पार्टनर से शादी करना चाहिए, ताकि आपकी भी जो गाड़ी है, जैसे मेरे नाना नानी की गाड़ी आज 70 साल से चल रही है, या मेरी गाड़ी जो है वो 24 सालों से चल रही है, और ऐसे ही बहुत सारी मिसालें आपके फुके भी नाना नानी वगैरह होंगे जिनकी शादियां होंगे आज 30 साल 40 साल 50 साल हो चुके होंगे, उन लोगों के भी जो आपस में एक दूसरे के साथ में जो सफर चल रहा है उनके जिंदगी का, वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जब उनके निकाह होने वाले थे तो उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखा। वो बातों का आप ख्याल रखो तो आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और दूसरे जो मैंने आपको मिसालें दिया कि सुबह में शादी हुई शाम में तलाक हो गया, आज शादी हुई कल तलाक हो गया, और आज निकाह हुआ और एक हफ्ते के बाद तलाक, और जैसे मैंने बताया आपको कि साल के बाद और 2 साल के बाद, और जैसे आमिर खान के हर 15-15 साल को तलाक हो रहे हैं, इन सब का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कि एक दूसरे को देखते पहले ही पहली नजर में ही अट्रैक्ट होना एक दूसरे से अट्रैक्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इंसान टीनेजर होता है या वो जवान होता है तो वो जो एक दूसरे की तरफ जो होता है ना उसको कहते हैं सिर्फ अट्रैक्शन। तो वो जो अट्रैक्शन है उसकी बुनियाद पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे इसी को लाइफ पार्टनर बनाना है या इसी को अपना हस्बैंड बनाना है या इसी को अपनी वाइफ बनाना है या इसी के साथ में शादी करना है, बल्कि बहुत सारी चीजें आपको देखना जरूरी है दोनों की भी जिंदगी में। अगर आप मेल है तो आपने फीमेल की लाइफ में, और फीमेल है तो उसने मेल की लाइफ में, बहुत सारी चीजें देखना जरूरी है, तब जाके आपका कॉम्बिनेशन बराबर होगा, तब जाके आपका जो लाइफ का सफर है वो एक दूसरे के साथ में गुजरेगा, नहीं तो फिर वही होगा कि सुबह में जो है चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा हिसाब हो जाएगा, सुबह में शादी हुई और शाम को तलाक, और आज शादी हुई और हफ्ते भर के बाद में तलाक। ये इसीलिए होता है सिर्फ अट्रैक्ट होकर, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर, या बहुत सारी चीजें, और या फिर घर वालों की वजह से। अभी जैसे मेरे पास एक और डिवोर्स का केस चल रहा है, और उस केस के अंदर ऐसा है कि लड़का लड़की के जो माँ बाप थे, जो माँ बाप थे माँ बाप, वो दोनों हज के लिए साथ में थे, और माँ बाप दोनों के एक दूसरे के वहीं पे जान पहचान हो गई, और माशाल्लाह वहां पे जो है आज हम कीमा बना रहे हैं आप भी खाइए, और आज हम जो है अंडे का भुर्जी बना रहे हैं वो भी आप खाइए, दोनों एक दूसरे को दे रहे पी रहे खा रहे मस्त वहां पे, दोनों को लगा वाह वाह क्या दोनों के अखलाक है। फिर पता चला रहे बोले यार हम हमारे लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लड़की वालों ने बोला अरे यार हम भी हमारे लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं, बोले जब अपने घर पे लड़का लड़की है बाहर क्या देखने का, चलो बोले यहां से जाते जब उनका निकाह करा लेंगे। अब दोनों माँ बाप ने वहीं से तय करके आए, यहाँ आने के बाद में न लड़की ने कभी लड़के को देखी, न लड़के ने लड़की को देखा, न दोनों के प्रोफाइल एक दूसरे से मैच होते हैं, लेकिन माँ बाप जो है दोनों आपस में खूब पक्के एकदम गहरे जिगरी दोस्त हो गए, जिगरी दोस्त दोनों एक दूसरे के, और उन्होंने तय कर दिया। उन्होंने तय करने के बाद में जो है रिश्ता वगैरह सब कुछ तय हो गया, निकाह भी हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब वो लड़का लड़की की आपस में मैचिंग नहीं हो रही है, उनमें दोनों में आपस में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और दोनों को डिवोर्स चाहिए, दूल्हा चाहिए। Who are responsible for this? This is my question. उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम जो है ना, यानी क्या निकाह को हमने एक मल्लप्पा की खीर बना के रखा हुआ है, यानी उसको हमने एक ऐसा मजाक बनाया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे लड़की जो है ऑटो के अंदर कॉलेज में जा रही है पढ़ने के लिए या कोचिंग क्लासेस के लिए, और वो ऑटो वाला जो है मस्त एकदम, उसने बाल गीले एकदम जो है ऋतिक रोशन के जैसे, और अपने कट्स और शोल्डर एकदम ऐसे सलमान के जैसे बनाए हुए हैं, और उसने अपने चीचा के बेटे का चश्मा मांगे लेके आ गया हुआ है, और फुक्कू के बेटे के शूज पहन लिया उसने, और खाला के बेटे का जैकेट वैकेट डाल दिया उसने, वो भी अपने को गरीबों का वैन डीजल समझ रहा है, और मस्त अपना ऐसा कटम मारते हुए जो है ऐसा जो है रिक्शा चला रहा है, उसी को देखकर लड़की ने अपना पूरा कलेजा निकाल के बाहर रख हो गए उत्ते में आशिक और तय कर लिए बोले जिंदगी का सफर गुजारने का है तो ये ऑटो वाले के साथ, बस माँ बाप को बोल दिया अगर तुमने नहीं निकाह करके दिए मैं भाग जाऊंगी बोले उसके साथ। ये इतना देख के उसके ऊपर आशिक हो गए, और आशिक होने के बाद में जो है इसको ये जो है ना ये इसको बोलते हैं मेंटली प्रॉब्लम, बस उतना ही देखे बाकी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ऐसे ही बस के अंदर सफर कर रहे थे, बस अट्रैक्ट हो गए जाहिरी शक्लो सूरत को देखकर, बाकी कुछ नहीं मालूम है, ना लड़के को लड़की के बारे में मालूम है, ना लड़की को लड़के के बारे में, बस हो गया इश्क हो गया, वहीं पे मोहब्बत हो गई, और वहीं पे दोनों ने जो है एक दूसरे का कलेजा निकाल के कदमों में रख दिए, और बस उतनी ही देर के अंदर दोनों आशिक हो गए एक दूसरे पे, और तय कर लिए बोले बस जिंदगी का सफर गुजारने का है तो इसी के साथ में, बस में ही मोहब्बत हो गई। उसके बाद में कहीं शादी के अंदर दावत में गए थे,
ना लड़की के बारे में कुछ मालूम है, ना लड़के के बारे में कुछ मालूम है, बस वहीं पे एक दूसरे को देखे आशिक हो गए और तय कर दिए कि बस शादी इसी के साथ में करना है, या लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, देखे कि लड़का जो है वो एकदम स्पाइडरमैन का बाप है बोल के, वो ऐसा डंडे को पकड़ा उसने, स्प्रिंग पे पैर रखा अपने, ऐसे यूं करके जो है खतरे उठा रहा वो नीचे से, वाह, उतना देख के ही जो है कलेजा बाहर निकाल के रख दिया और बोले बस अपने लाइफ पार्टनर बनने के लायक में अगर कोई है तो यही स्पाइडरमैन की औलाद है, यही पीटर पार्कर, बोले इसी से शादी करने का है, नहीं तो शादी नहीं करने का। अब उसका ना खानदान मालूम है, ना उसका पानदान मालूम है, ना उसका उगालदान मालूम है। मैं आपको ऐसे 1001 किस्से सुना सकता हूं जिसमें 2 मिनट, 5 मिनट और घंटा 2 घंटे के अट्रैक्शन में जहां पे एक दूसरे से शादियां हुई वो शादियां 99% फेल होती, 99% फेल। कई मेरे पास में मिसालें हैं ऐसी, कई मिसालें हैं मेरे पास में आपको देने के लिए। अट्रैक्शन की बुनियादों के ऊपर जब हकीकत पता चलती है, एक लड़की जो है सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखकर, अपना जिगर, अपना कलेजा, अपना गुर्दा, अपना फेफड़ा, अपने फेस पे अपने पूरे अकड़िया वजड़िया सब निकाल के उसके कदमों में रख दिए, बोले मुस्कान तेरे होठों से कभी जाए ना और आंसू तेरे आंखों में कभी आए ना, पूरा हो तेरा हर ख्वाब और जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। वाह 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 गालिब साहब, क्या शेर बोले यार। इस तरीके से जो है उसको शेर गिर लिख के पूरे अपने आकड़ी वजड़ी कलेजी फेफसा सब डाल दिए उसके कदमों में और ये तय करे बोले इसी से शादी करने का, उससे शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में जब ससुराल में गए तो देखे कि सासू बेगम जो है वो गणपति की पूजा कर रहे हैं, एक बड़ी गणपति की मूर्ति रखी हुई है घर के अंदर। दामाद ने बोला यार तुम्हारे अम्मी क्या कर रहे हैं, बोले मेरे अम्मी कन्वर्टेड है, बोले मतलब मेरे अम्मी जो है एक मुसलमान ने शादी करा था तो अम्मी तो वो हिंदू धर्म पे है, बोले वो नहीं मानते, बोले वो अपना रोज लगे हुए है खड़ल धड़ल खड़ल धड़ल, उसके अंदर भी ठल विठल पांडु रंग, वो अम्मी उसी के अंदर लगे हुए है, बोले लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो कर रही, मैं मुसलमान हूँ। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, अरे यार बोले अब कल मेरी औलाद पैदा होंगी और वो जब देखेंगे कि हमारे नानी जान जो है वो सुबह से शाम तक खड़ल धड़ल करते रहते तो फिर अब मेरा क्या बनना। बाद में पता चल रहा तो भाई पहले तूने तहकीक करना था ना, तेरा घोड़ा तो इतना जोश में जज्बात में था कि तू तो मानने को तैयार नहीं था। नाइक बोले साला दुनिया इधर की उधर हो जाए और जमीन आसमान इधर के उधर हो जाए, मैं शादी करूंगा तो बस उसी के साथ में करूंगा। जब तो सुनने को तैयार नहीं थे, तहकीक करने को तैयार नहीं थे, माँ बाप ने मना करे तो कोर्ट में जाके शादी कर लिए। और फिर पता चल रहा है कि सासू बेगम जो है वो सुबह से लेके शाम तक जो है बैठे हुए हैं, माउली निराली पंडरी चिवाट ऐसा जो जाते नहीं क्या, तब उसको बाद में पता चल रहा है। तो मुझे आप बताओ नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आज से शुरू हो रहा है, ये चैप्टर है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके भी जो जिंदगी का सफर है वो लॉन्ग लाइफ रहे, वो भी सुबह से लेकर शाम तक की बजाय सुबह से लेके चांद तक ऐसा रहे, वो उसके लिए इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह आज के हमारे इस क्लास के यानी ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम बताएंगे, और उसी के साथ साथ आपको जो है ना उसके सारे मसाइल वगैरह भी बताएंगे। देखो मैंने उसके सारे डिटेल्स आपको परसों के दिन बताया हूं कि एक लाइफ पार्टनर जब हम इंतेखाब कर रहे हैं, उसको जब हम चूज कर रहे हैं अपने जिंदगी का पार्टनर बनाने के लिए, उसमें क्या क्या सिफात होना चाहिए, क्या क्या काबिलियत होना चाहिए जिसकी वजह से वो जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जिंदगी का साथी रहे। बहुत सारी चीजें हमारे जमाने में देखी जाती है और सबसे पहली चीज जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं निकाह के रिश्तों के अंदर, सबसे पहला जो शब्द बोला जाता है चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो, रिश्ता देखने के लिए हो या कोई रिश्ते की बातचीत करे, उसमें सबसे पहला ये पूछा जाता है भाई लड़के की बिरादरी क्या है। और लड़की वाले हैं तो वो पूछते हैं लड़की की बिरादरी क्या है, और लड़के वाले हैं तो वो पूछते हैं कि भाई लड़की की बिरादरी क्या है। तो ये असल में लोग ये चाहते हैं कि बिरादरियों में बराबरी रहे, लड़का भी एक ही बिरादरी का रहे, लड़की भी एक ही बिरादरी की रहे। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है
कि लड़का लड़कियों के अंदर हमारे मुल्क में जो बिरादरी देखी जाती है तो बिरादरी की क्या हैसियत है, यानी इंडिया में जो लोग अपनी बिरादरियों के ऊपर फख्र करते हैं, हम फुलाने बिरादरी के, तुम फुलाने बिरादरी के, ये छोटे बिरादरी के, वो बड़े बिरादरी के, मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा तजाद है इस चीज को लेकर। एक निकाह में जाने का मौका मिला अभी करीब थोड़े दिनों पहले, तो वहां पे मैंने देखा कि लड़की के जो दादा है वो खाना नहीं खा रहे हैं। उनको समझाया गया, अरे चलो चलो हाजी साहब खाने में शरीक हो जाओ, बोले नहीं मुझे खाना नहीं खाने का। तो मैं उनको गया समझाने लगा, मैं बोला अरे चलो ना हाजी साहब खाना खा लो, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, तकलीफ क्या है, किस वजह से आप जो है खाना नहीं खाना चाहते हो। तो वो हाजी साहब कहने लगे, बोले यार मसला असल में ऐसा है ना, मैं नाराज हूँ ये निकाह की वजह से। मैं बोला क्यों नाराज है आप? बोले मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि हमारे बेटे ने जिस लड़के के साथ में हमारे पोतरी का रिश्ता किया वो हमारी बिरादरी का नहीं। मैंने कहा तुम्हारी कौन सी बिरादरी? बोले फुलानी बिरादरी। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, लड़का मुसलमान है, साहिब ईमान है, और ज्यादा फर्क नहीं दोनों की भी बिरादरियों में, उसके बावजूद उनमें आपस में जो है बिरादरी को लेकर इस तरीके का जब तजाद पैदा हो गया, इस तरीके का जब माहौल बन गया, तो बुजुर्ग खाना खाने को तैयार नहीं है। तो हमारे समाज के अंदर सबसे पहली जो चीज, यानी शादियों के मसाइल के अंदर सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि भाई लड़का हो या लड़की हो उसकी बिरादरी कौन सी, उसकी बिरादरी को जो है चेक किया जाता है। तो आज जो है हम पहले किताब में से पढ़ के आपको बताएंगे कि बिरादरियों की हकीकत क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों के अंदर फरमाया, क्या फरमाया, या अय्युहन्नास ऐ लोगो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअआरफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्ताकुम। ऐ लोगो हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुमको मुख्तलिफ कौमें और खानदान बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको, जिसमें ये भी दाखिल है कि कौन हमारा करीबी और दूर का रिश्तेदार है ताकि तुम उनके हुकूक को अदा कर सको। अब देखिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खानदानों मुख्तलिफ कौमों के बनाने में ये हिकमत बतलाई है कि इससे तारुफ और शनाख्त हो जाता है कि ये कुरैशी है, ये अंसारी है, ये सिद्दीकी है, ये फारूकी है। अगर ये तफावुत ना होता तो एक दूसरे की पहचान में सख्त दुश्वारी हो जाती, क्योंकि नामों में अक्सर तवारुद होता है, यानी एक जैसे होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे आदमी होते हैं। इसी कदर इम्तियाज गांवों की जगह से हो जाता है, जैसे दहलवी है, लखनवी है, फिर एक शहर में भी एक नाम के बहुत सारे होते हैं तो महलों से इम्तियाज हो जाता है, महल्ले में भी एक नाम के दो तीन होते हैं तो कबाइल की तरफ निस्बत से इम्तियाज हो जाता है। ये हिकमत है अलग अलग खानदान होने की, मगर आजकल भाइयों ने इसी को मदारे फखर बना लिया। अब यहाँ दो किस्म के लोग हो गए हैं, बाज ने तो नसब और शर्फ की जड़ ही उखाड़ दी, उनको इससे शुबा है कि इस आयत में इख्तिलाफ कबाइल की हिकमत सिर्फ तारुफ बतलाई गई है। जी इसी तरह से तो आगे जो है, अब ये जो हमने अभी कुरान करीम की आयत तिलावत की और आयत के बाद में हमने जो आपको बतलाया कि देखो कुरान में फरमाया लितआरफु, यानी सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए कि तुम मिसाल के तौर पर इमरान नाम के पांच लोग हैं, तो इमरान नाम के जो पांच लोग हैं, अब आप जो है अपना एक इमरान का आप तस्किरा कर रहे कि भाई हमारा एक शागिर्द है माशाल्लाह जो आज वो एमएलए है और उसका नाम इमरान है, तो लोग पूछेंगे कि भाई आपका शागिर्द है एमएलए इमरान है, कौन एमएलए इमरान? जैसे ही आप बोलेंगे कि भाई इमरान शेख तो लोग फौरन पैसा, अच्छा अच्छा इमरान शेख, वो शेख इमरान वो आपका शागिर्द है, हम तो समझ रहे थे कि वो इमरान अंसारी जो है वो आपका शागिर्द, नहीं 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 भाई वो जो शेख है हमारा शागिर्द है। इस तरीके से शनाख्त तो होगी, पहचान होगी। आपने किसी को कर्ज दिया है, आपने जो है कर्ज दिया है अब्दुल्ला को, अब अब्दुल्ला को आपने कर्ज दिया हुआ है और आप जो है कुछ लोगों के सामने तस्करा कर रहे हो
कि भाई मैंने अब्दुल्ला को कर्ज दिया हुआ हूँ, लेकिन वो मुझे पिछले एक महीने से नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को नजर आ जाए तो आप लोग मुझे उसके बारे में बता देना। तो लोग आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे, भाई आपने अब्दुल्ला को दिया तो ये अब्दुल्ला कौन है? ये अब्दुल्ला बागबान है, ये अब्दुल्ला शेख है, ये अब्दुल्ला सईद है, ये अब्दुल्ला कुरैशी है, ये अब्दुल्ला पठान है, ये अब्दुल्ला खान है, ये कौन अब्दुल्ला है? तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि भाई ये अब्दुल्ला कुरैशी है, तो लोग पहचान लेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला कुरैशी के ऊपर आपका कब्जा है, तो फौरन वो पहचान के अंदर आएगा। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ लफ्जों में फरमाया कि ये जो खानदान कबीले बनाए ना, फखर और घमंड के लिए नहीं बनाए। हमारा कबीला बड़ा है, तुम्हारा कबीला छोटा है, हमारा खानदान बड़ा है, तुम्हारा खानदान छोटा है, ये छोटे बड़े के लिए नहीं बनाए हैं। अगर किसी को बड़ा और छोटे का, छोटे और बड़े खानदान को अगर देखना है तो जाइए आप कब्रिस्तान के अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे जो है अब्दुल्ला खान साहब की भी कब्र है, उन्हीं के बाजू में अब्दुल्ला अंसारी की कब्र है, उसी के बाजू में अब्दुल्ला मंसूरी की कब्र है, उसी के बाजू में अब्दुल्ला सैयद साहब की कब्र है, उसी के बाजू में शेख साहब की कब्र है, वहीं पे बादशाह की कब्र है, वहीं पे वजीर साहब की भी कब्र है, वहीं पे गुलाम साहब की भी कब्र है, वहीं पे शहनशाह की भी कब्र है। सबकी कब्रें जो है इनकी कब्रस्तान कब्रिस्तान के अंदर बनी होती है। आपसे मेरा सवाल है, आप देखिए ना, सब एक ही कब्रस्तान में सो रहे हैं। वो तो हमारे इंडिया में है, जो कब्रिस्तान के सरहाने पे पार्टी लगाई जाती है, जो कब्रिस्तान में आप लोग कभी आपके गांव में वगैरह में पता नहीं, जो है ये जो सिस्टम है लोहे की पार्टी का है, या फिर वो जो पत्थर को तराश के जो है पार्टियां लगाई जाती है, वोट लगाया जाता है। तो मैं देखता हूँ कभी कब्रिस्तान में, मेरा भी जाना हुआ कब्रिस्तान में, तो लोग जो है ना वो सिर के पास में एक पार्टी लगाते हैं और उसके नाम उसके अंदर लिखते हैं, बोले अल्हाज जनाब सैयद मोहम्मद फुलाने सेठ साहब, और फिर उसके बाद उनकी तारीख वफात लिखी जाती है। मतलब मर गया वो सेठ जो है कब्र में चले गया, लेकिन उसके जो रिश्तेदार है उनके अंदर से अभी तक वो घमंड निकला नहीं कि वो सेठ को तुमने मट्टी में छोड़ के आ गए। ना वो सेठ ने अपनी दुकान साथ में लेकर गया, ना अपनी मर्सिडीज कार साथ में लेकर गया, ना अपना पैसा साथ में लेकर गया, कुछ लेकर नहीं गया, कब्र में छोड़ के आ गए, मगर वो जो खानदान का घमंड था निकला नहीं अभी, उसका खानदान भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अफसोस की बात है। एक हदीस में तो इतने सख्त अल्फाज है उन लोगों के लिए जो अपने खानदानों पे फखर करते हैं कि हमारा खानदान इतना बड़ा और हमारा खानदान इतना बड़ा, तो हदीस में ऐसे लोगों के लिए इतने सख्त अल्फाज है जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ, इतने सख्त अल्फाज है उस हदीस के अंदर, मुझे आप बताइए। तो इससे पता ये चला कि खानदान जो है ना वो सिर्फ पहचान के लिए है, वो घमंड के लिए, फख्र के लिए, और इसलिए नहीं है कि दूसरे खानदान के लड़की का रिश्ता आएगा तो हम नहीं करेंगे, या दूसरे खानदान के लड़के में लड़के को हम हमारी लड़की नहीं देंगे। बड़े अफसोस की बात है ये। और मैं आपको एक वाकया मेरे साथ पेश आया हुआ सुनाता हूँ। मेरी पहचान में एक साहब थे, थोड़े बहुत पैसे वाले थे, और माशाल्लाह उनकी एक दुख्तर यानी उनकी बेटी के लिए उन्होंने खुद मुझे सामने से बोला हुआ था रिश्ते के लिए, बोले यार अपने बेटी के लिए कोई रिश्ता देखो। तो एक और पहचान में पहचानक वाले थे, उनका भी लड़का था, उन्होंने भी मुझे बोल के रखे थे, बोले अपने लड़के के लिए देखो कोई लड़की अगर है तो। मैंने वो लड़की वाले से उसी वक्त कहा, उसने जैसी मुझे कहा ना कि अपनी दुख्तर के लिए, तो मैं बोला हाँ भाई मेरे पास में है एक रिश्ता, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला हुआ है उनके बेटे के लिए। बोले चलेगा मसला नहीं, लड़का क्या करता? मैंने कहा ऐसा करता वैसा करता, वो सारी फजीलत उसकी सुनाए। बोले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोले लड़के की तस्वीरें वगैरह सब कुछ भेज के, तो हमने लड़के की तस्वीर वगैरह सब कुछ उनको भेज के दिए। अब वो सब उनको भेज कर देने के बाद में फिर वो सब देखे करे उन्होंने, फिर 15 दिन के बाद में मुझे उनका जवाब आया, बोले यार वो घर में हमारे वालिद साहब और हमारे दूसरे रिश्तेदार जो है वो मना कर रहे हैं। मैं बोला क्यों मना कर रहे हैं? बोले नहीं, वो लोगों का बोलना ये है कि अपने खानदान में ही लड़की देना है, वो जो लड़का है दूसरे खानदान का है उसमें अपने को लड़की नहीं देना। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे मर्जी की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं बड़े अफसोस के साथ, उनकी वो जो लड़की है
उस लड़की ने बाद में एक दूसरे लड़के के साथ में कोर्ट मैरिज की। हालांकि वो लड़का भी मुसलमान था, लेकिन वो जो लड़का था अखलाक में, आदात में, बाकी सारी चीजों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बेदीन था। मतलब जुए का और नशे का और ये सारी चीजों का वो आदी था। और हमने जो रिश्ता देखे थे वो लड़का एकदम दीनदार था, माशाल्लाह समझदार था। तो क्या होता है ना, लड़की ने अपने मर्जी से कर ली शादी। अब अब्बा जान जो है क्या करते, पकड़ के बैठो। मैं बोला बिरादरी को ऐसा, अरे तुम बोल रहे थे ना बिरादरी के बाहर देने का, पकड़ो पकड़ो बिरादरी को, लटक के झूला झूलो अब बिरादरी को, हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी, ऐसा। तो ये जो है ना एक बीमारी है दिमागी, ये बिरादरी, खानदान, खानदान के बाहर। अब मुझे आप बताओ, आज जो ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, लड़के लड़कियां जो है इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, और जो है एक दूसरे को खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इससे शादी करना है, उससे करना है। तो फिर ऐसी हालत में क्या करते हैं आप, बैठते बिरादरी को अचार डालते बिरादरी का, या बिरादरी को जो है वो चिकन का जो लाल मसाला रहता है वैसा लगा के तलते उसको, इसके अंदर तेल के अंदर, मुझे आप बताओ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सबसे पहली चीज के हमारे दिलो दिमाग के अंदर से हमने ये निकालना जरूरी है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ईमान वाला लड़का वो शर्त है, भाई लड़का मुसलमान है या नहीं है, लड़का ईमान वाला है या नहीं है, ये शर्त है हमारे लिए, ये हमारे लिए शर्त है। हमारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो लड़का है वो उसकी बिरादरी के हिसाब से या उसके खानदान के हिसाब से, बल्कि ये शर्त है कि हम उसके ईमान को पहले। वो सब चीजें इंशाल्लाह आगे आने वाली है, ये तमाम बातें जो है ये आगे आने वाली है, और मैं आपको जो है वो तमाम बातें एकदम डिटेल में तफसील के साथ में बताऊंगा कि कौन सी दीनदारी उसके अंदर देखना चाहिए। अब बिरादरी का मसला हो गया, यानी बिरादरी के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, जो लोग शिद्दत पसंदी वगैरह करते हैं, उमूमन जो चीजें देखने की है वो देखना छोड़ के लोग फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की उम्रें ज्यादा हो जाती है, लड़कों की उम्रें ज्यादा हो जाती है, और बाद में जो है उन लोगों को फिर रिश्ते नहीं मिलते। जैसे अगर आप लोग मेरे वीडियोस भी देखते होंगे, तो मैंने कल परभनी के लड़की का एक वाकया अपने सबक में बयान किया न्यूज के अंदर। बाद में वो जो न्यूज पेपर के जो रिपोर्टर थे उन्होंने मुझे फोन किए, और फिर मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे उसकी उम्र बताई, वो लड़की की। उन्होंने बोले मौलाना वो लड़की की उम्र थी 29 साल, 29th ईयर। अब आप मुझे बताइए 29 साल वो लड़की को हो चुके हैं, यानी लड़की और लड़के के बालिग होने के दरमियान में भी फर्क होता है। ये चीज मैं समझता हूँ आप लोगों को पता है या नहीं है, जो फीमेल्स है उनको तो पता होंगी, मेल्स का तो मुझे पता नहीं है कि लड़का और लड़की यानी मेल फीमेल की जो बुलुगियत है उसमें फर्क होता है। मोस्टली मर्द जो बालिग होता है वो 15 साल, उसको कभी 16 साल, कभी 17 साल भी लगते हैं, यानी जो पहली मर्तबा जो एहतलाम है, क्योंकि बुलूगियत का जो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन है वो ये कि उसको एहतलाम हो, एक तो एहतलाम हो, या उसकी उम्र 15 साल मुकम्मल होना चाहिए मर्द के लिए। औरत के लिए ऐसा है कि उसका जो माहवारी है जब वो शुरू हो जाए वो बालिगा हो जाती है, और आपको पता है लड़की लड़के मर्द के मुकाबले में पहले बालिग होती है, बालिगा होती है, यानी कभी उसको 12 साल की एज में, कभी उसको 13 साल की एज में, कभी उसको 14 साल की एज में ही ये शुरू हो जाता है माहवारी। अब मैं आपको बताऊं एक वाकया, अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक लड़की का वाकया जो है मैंने पढ़ा कि वो लड़की 11 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, मतलब माँ बन गई, वो बच्चा पैदा हो गया उसका ओनली 11 साल की उम्र में, यानी 11 साल की वो लड़की थी, और 11 साल की उम्र में, अब भी 2-3 दिन पहले मैं उस पर सबक देने वाला हूँ इंशाल्लाह, और वो सबक आएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो क्या होता है, वो जो लड़की है जिसने 29 साल की उम्र में शादी की, यानी जो गैर के साथ में भाग गई, अब आप मुझे बताओ अगर 12 साल में भी वो बालिगा हुई होगी तो 12 से लेके 29 दोनों के दरमियान में ड्यूरेशन कितने सालों का हो रहा है, वो आप खुद कैलकुलेशन करो। मेरे ख्याल से कुछ 15-16 साल का जो है बीच में वो हो रहा है, गैप हो रहा है। अब इतने सालों का जो गैप हुआ है उसके लिए हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए देखो ये प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 2
और उसके अंदर लेसन नंबर जो थर्ड हमारा चल रहा है, तो कल हमने आपको यही बताए थे कि असल जिन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिन पे ध्यान देना चाहिए, जिन पे तवज्जो देना चाहिए, उन पे हम ध्यान तवज्जो नहीं देते, और फालतू की चीजों पे, यानी मैंने बताया था मैचिंग, अगर आपकी मैचिंग जो है ना वो कंप्लीट है, कंप्लीट मैचिंग है, तो 100% चांसेस है यू विल बी इंजॉय योर मैरिड लाइफ विथ योर पार्टनर सक्सेसफुली। अगर आपकी मैचिंग 100% परफेक्ट है, करेक्ट है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से जो है खुशहाल रहोगे। और अगर मिसमैचिंग होती है, मिसमैचिंग यानी मिसमैचिंग है और मैचिंग बराबर नहीं हो रही है, तो 100% चांसेस है इस चीज के कि आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फिर डिवोर्स भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है। तो इसी वजह से वो बातें और वो चीजें जिनको हमने ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, हम आपको वही बता रहे हैं। तो उसमें हमने कल आपको ये बताया था कि हमारे देश में लड़का हो या लड़की, सबसे पहले ये देखा जाता है उसकी बिरादरी कौन सी है, लोग बिरादरी को अहमियत देते हैं। और मैंने कल आपको बिरादरियों के बारे में बताया था, ये बड़ेपन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कुरान में साफ लब्जों में फरमाया, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्था व जअलनाकुम शुहूबन व क़बाइला लितअअरफू, हमने सिर्फ एक मर्द और एक औरत से तुमको पैदा किया है, और तुम्हारे दरमियान में जो कबीले खानदान बनाए हैं वो सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए, फख्र के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए हमने बनाए। तो इसलिए ये बिरादरियों और खानदानों का हमने आज भी हमने आपको बताए थे कि अब आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि भारत में जो लोग अपने खानदानों की शराफत के ऊपर घमंड करते हैं, हम पठान है, हम सैयद है, हम शेख है, हम तमोली है, हम बागबान है, हम कुरैशी है, और हम अतार है, और हम मनियार है, और हम अंसारी है, और हम मंसूरी है, तो ये सारे बिरादरियों की जिसपे लोग घमंड करते हैं और उसके बाहर अपनी लड़की नहीं देते हैं, उसकी रियलिटी क्या है। चलिए अब हम किताब में से शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान के नसब नामों पर तबसेरा, मुझको तो इसमें कवि शुबा है कि जो शरीफ उन नसब कहलाते हैं वाकई में भी वो ऐसे है ऐसे ही है या नहीं, क्योंकि ये अजीब बात है जिस कदर शुयूख है, कोई अपने आप को सिद्दीकी कहता है, कोई फारूकी कहता है, कोई अलवी कहता है, कोई उस्मानी कहता है, कोई अंसारी कहता है, क्या इन चार पांच सहाबा के अलावा नऊज बिल्ला और सहाबा इकराम मुनकतियों नस्ल थे? कोई अपने को ये नहीं कहता कि हजरत बिलाल की औलाद से है या हजरत मिगदाद की औलाद से है, सब इन चार पांच हजरत की तरफ निस्बत करते हैं। इसलिए शुबा होता है कि ये सब तराशीदा यारा हैं, मशहूर और जलीलुल कदर सहाबा को लेकर उनकी तरफ निस्बत करने लगे। ये शुबा अहकर ने बड़े बड़े मजामे में बयान किया, अक्सर जगह लोगों को देखा जाता है कि चंद सहाबा को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, मसलन हजरत खुल्फाए अरबा, हजरत अब्बास, हजरत अबू अय्यूब अंसारी वगैरह। इनमें खिलजान इसमें यह है कि हिंदुस्तान में फुतूहात व गजवात के लिए खास इन्हीं हजरत की औलाद मुंतखब होकर आई या औरों की नस्ल मुनक़ते हो गई, और ये दोनों अम्र आदतन मुस्तबअद बहुत बईद है, उनसे साफ शुबा होता है कि शायद दूसरों ने इन्हीं हजरत की तरफ इफ्तिखार फख्र करने के लिए मंसूब कर दिया। चलिए अब हम आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यानी हजरत खानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, इंडिया के अंदर आप देखोगे आपको फारूकी मिलेंगे, सिद्दीकी मिलेंगे, और अलवी मिलेंगे, उस्मानी मिलेंगे, अंसारी मिलेंगे, तो उनका इश्काल ये है कि क्या सिर्फ ये चार पांच सहाबा की ही औलादे पूरी दुनिया में फैली? आज तक कभी आपने देखे किसी ने अपने आप को लिखा हो कि मेरा नाम बिलाली है, या मैं मिगदादी हूं, या मैं अनसी हूं, क्योंकि हजरत अनस इब्ने मालिक की तो उनको तो 250 बच्चे थे। सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा जो औलादे थी वो हजरत अनस इब्ने मालिक की थी, जो अल्लाह के नबी के खादिम थे, 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी की खिदमत किया करते थे, सहाबा में सबसे लंबी उम्र उन्हीं की हुई, और 250 बच्चे थे उनके, 250। वो खुद फरमाया करते थे कि 100 बच्चों को तो मैंने मेरे हाथों से दफन कर दिया, बाकी 150 जो है वो मेरे आंगन में खेल रहे हैं। मतलब इतना बड़ा जो है उनका खानदान था हजरत अनस इब्ने मालिक का। तो इससे ये पता चलता है
जो नसब पे लोग फख्र करते हैं, तो खाली इन्हीं सहाबा की औलाद है, बाकी जो सहाबा थे, सहाबा इकराम की तादाद तो किताबों में मिलती है। अल्लाह के नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था उस वक्त में 1,24,000 सहाबा थे। तो जब 1,24,000 सहाबा थे, कितने सहाबा है? आपने कभी वो सहाबा की तरफ किसी की निस्बत होते हुए देखा नहीं हमने कि भाई किसी ने दूसरे भी और किसी सहाबी की, मैं जो हजरत ने लिखा है कि भाई बिलाली, आपने कभी सुना है बिलाली नाम? किसी ने अपने खानदान का नाम लिखा है आखिरी में, जैसे लोग सिद्दीकी लिखते हैं, फारूकी लिखते हैं और उस्मानी और अलवी लिखते हैं, ऐसे कभी आपने बिलाली देखा है? कभी आपने मिगदादी देखा है? ये तो सब शुरू में मुसलमान हुए थे। और किसी ने अब्दुल्ला भी देखा है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है। कितनी बड़ी, यानी ये इन लोगों की ये है खानदान है इन लोगों के, ये शुरू में मुसलमान होने वाले लोग हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो छठे मुसलमान थे। हजरत अबू जर गिफारी, अब कभी किसी का नाम गिफारी देखा है आपने? तो क्यों लोग इन्हीं चार पांच की तरफ निस्बत करते हैं? तो हजरत खानवी ने लिखा है, मुझे इसमें शुबा है। चलो अब हजरत खानवी को जिस बात में शुबा है, हम आपको प्रैक्टिकल वाकये से दो मिसालें आपको देते हैं कि हमारे इंडिया में ये जो खानदानों के नाम पे लोग फख्र करते हैं, उनकी रियलिटी क्या है। एक जगह पर मुझे एक रिश्ते के सिलसिले में जाने का मौका मिला, तो जो लड़के वाले थे, हम लोग पहुंचे उनके साथ में, लड़की वाले जो थे उनके घर पर, लड़की वगैरह उन्होंने देखे, तो लड़के के जो चचा थे उन्होंने लड़की वालों से ये कहा, बोले भाई तुम्हारा सरनेम क्या है? तो लड़की वालों ने बोले हम लोग शेख है। तो लड़के के वालिद ने बोले यार हम लोग तो पठान है। बोले नहीं, लड़की वालों ने बोले हम लोग पठान है। बोले हमारा नाम जो है खान है, खान जमील खान, शकील खान, रफीक खान, शफीक खान, ऐसे खान है बोले हम लोग। तो लड़के के वालिद साहब ने बोले यार हम लोग तो शेख है। बोले तुम लोग तो खान हो, हम लोग शेख है। बोले यार खान और शेख का जमेगा क्या बोले रिश्ता? तो वो लड़की के अब्बा ने फौरन बोले, उन्होंने बोले नहीं नहीं मसला नहीं है, बोले असल में ओरिजिनल में हम भी शेख ही है। बोले गाँव में जो है ना, गाँव में हमारा भी सरनेम शेख ही है, लेकिन क्या है अब हम लोग शहर में आ गए तो जरा खान सरनेम जरा वजनदार लगता है, जैसे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ऐसे जो खान है ना वजनदार दिखते। बोले इसके लिए हमने भी क्या किए, अपने नाम के आगे का जो शेख था उसको निकाल दिए और उसकी जगह पे खान लगा दिए। तो ये रियलिटी है इंडिया में जो खानदानों के हसब नसब होते हैं। एक तो ये हो गया। चलो अब दूसरा मैं मिसाल देता हूं आपको, मेरे पास में एक मीरास का मसला आया, मीरास का, मीरास मतलब प्रॉपर्टी का एक मसला आया कि एक साहब जो है उनके परदादा ने कुछ 10 एकड़ जमीन छोड़ के मर गए थे। बाद में उसकी बराबर से तकसीम वगैरह नहीं हुई उनके दादाओं के दरमियान में, फिर अब उनके चचा हो गए, तो वो किस तरीके से उनके चचाओं के और सबके दरमियान में होगा, इसलिए वो मेरे पास में वो मैटर लेकर आए। तो जो साहब मेरे पास में लेकर आए थे उनका नाम भी पठान था, सलीम खान, रफीक खान, शफीक खान, ऐसे खान लोग थे वो। तो मैं बोला भाई बताओ तुम्हारे पूरे नाम बताओ। वो जो हमने उनका खानदान का पूरा रिकॉर्ड निकाले तो पता ये चला उसके अंदर के ये जो खान खान जिनके नाम के आगे लगे थे, इनके जो बाप लोग थे उन लोगों के भी नाम खान थे, लेकिन इनके जो दादा थे वो दादा लोगों का जो सरनेम था वो एक मराठी सरनेम था। मराठी, मराठी मतलब यानी वो जो गैर लोगों के जो सरनेम होते हैं इस तरीके से, जैसे सरनेम होते हैं ना मराठी लोगों के भी, नाइक है ये, नाइक वगैरह जो सरनेम है ये हिंदू लोगों के सरनेम होते हैं, इसी तरह से शिंदे है, इसी तरह से देशमुख है, देशपांडे है, तो ऐसा उनका जो है सरनेम था। अब वैसा सरनेम होने के बाद में उनके दादा का सरनेम वैसा था। उसके बाद जब हम उनके परदादा के ऊपर पहुंचे तो पता चला कि उनके परदादा हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किए थे। तो परदादा से पड़ पोतरों तक आने आने तक वो पठान बन गए थे। अब सबके नामों पे खान खान फैमिली इस तरीके से। तो ये रियलिटी है इंडिया के नसब नामों की, इंडिया के खानदानों की। एक तो मैंने आपको किताब में से बताया जो हजरत खानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा कि क्या ये सिर्फ 4-5 सहाबा ही, उनकी औलादे है पूरी दुनिया में, ये जो अपने आपको फारूकी सिद्दीकी वगैरह कहते हैं, इनके अलावा जो बाकी सहाबा है उनकी तरफ निस्बत क्यों नहीं करते? ये किताब का हो गया। और फिर मैंने आपको ये दोनों वाक्य प्रैक्टिकल जो मैंने मेरे साथ पेश आए हुए हैं, दादा का सरनेम कुछ और है, परदादा का कुछ और है, पोतरे और पड़ पोतरों तक आने तक वो कुछ और हो गया। तो इसलिए इंडिया में ये जो लोग खानदान और हमारी बिरादरी जो बात करते हैं ना,
ये फालतूगिरी है, ये फालतूगिरी, इसके अलावा कुछ नहीं, या मेंटली बीमारी भी बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे जो है, आगे जो है देखो, अब ये यहाँ पे मैं आपको और भी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि फरमाया हिंदुस्तानों, हिंदुस्तान के अंदर नसब नामों का भी अजीब किस्सा है, मालूम नहीं लोगों ने कहाँ से अख्ज कर ली है, कोई अपने आप को वही बात बाद में लिखी है। एक साहब ने कहा अगर ये निस्बत ना की जाए तो गुफू का लिहाज कैसे हो। फरमाया कि वजाहत और मौजूदा हालात पर नजर करके लिहाज होगा, गुज़िश्ता अंसाब की तहकीक पर मदार ना होगा। फिर सवाल किया है हिंदुस्तान में जो कौमें पठान राजपूत वगैरह है उनके यहाँ सख्त आर है कि एक कौम दूसरे के यहाँ निकाह करे, अगर ऐसा वाकई में कहीं हो जाता है तो इसे खानदान से गिरा हुआ समझते हैं, और फिक्र की किताबों में लिखा है कि सिवाय अरब के और कौमों में नसब का कोई एतबार नहीं, क्योंकि आजमी ज़ाइउन नसब है, यानी उनके नसब का कोई हिस्सा भी नहीं है। अब सवाल यह है कि जो कौम आजमी है वो दूसरे कौम के मुकाबले में फख्र करते हैं और दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते, तो रिवाज वो उर्फ के मुताबिक उनमें किफायत का मसला जारी होगा या नहीं। जवाब, जब मदार आर व अदम आर है और अकवाम मजकूरा में एक दूसरे से निकाह करते हुए आर होती है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ऐसे सिलसिले में भी जो है हम अपनी बिरादरी में भी कर सकते हैं, दूसरी बिरादरी में भी कर सकते हैं। चलिए आगे लिखा है कि अरब के अलावा मुमालिक में नसब का कोई एतबार नहीं है, फुका ने लिखा है ये भी मुकय्यिद है इसके साथ, जबकि अरब में इस तफावुत फर्क का एतबार ना हो, वरना इनमें भी एतबार नसब और कौमियत के मुतबर और मदार उसका उर्फ पर है जिसका हदीस में एतबार किया गया। चलिए अब ये बहुत सारी बातें यहाँ बहुत डिटेल में उसके बारीक बारीक मसले लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे आज के सबक का पूरा खुलासा यही है, हम लोग इंडिया में भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ के बिरादरियों का कोई एतबार नहीं है, इसीलिए मैं इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि आप किसी भी बिरादरी में निकाह करो, किसी भी बिरादरी की लड़की से निकाह करो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो भारत में खुद मुसलमानों के लड़कियों के दूसरे लड़कों से शादी करने के मसले है, तो जिस कौम में मुसलमानों की लड़कियां गैरों के लड़कों के साथ में शादियां कर रही हो, अगर वो कौम जात देखेंगी बिरादरी देखेंगी तो यही मसले होंगे जो कल मैंने परभनी के मसले में बयान किया। मुझे आप बताओ वो जो लड़का है जिसके साथ में वो लड़की गई है वो ऐसी कौम और ऐसे समाज का है जो लोग पाखाना उठाते हैं, पाखाना जो उठाते हैं ना, पाखाना उठाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, अब मुझे नहीं मालूम है उसको मेहतर कहते हैं या फिर बाज जगह पे उनको और कुछ नाम से बुलाया जाता है। आप मुझे बताइए वो मुसलमान लड़की सिर्फ बिरादरी की वजह से उसकी शादी नहीं की गई और शादी नहीं करने की वजह से पाखाना उठाने वाले और सुअर पालने वाले लड़के के साथ में वो भाग के लिए भाग के चले गई, क्या अब उसके माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी क्या कम होगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुसलमान नहीं है, तो ये फालतूगिरी है, ये दिमागी बीमारी है। सिर्फ बिरादरी में शादी करना, किसी भी लड़के को आप अपनी लड़की दे सकते। मैं आपको अभी इतनी लंबी चौड़ी मैंने तकरीर ठोका आपके साथ में और सबक सुनाया मैंने आपको, तो मैं आपको मेरे बारे में भी बता देता हूँ कि मैंने भी मेरे बेटे का एक जगह पे एक लड़की के साथ में रिश्ता किया, तो हम भी जब वो लड़की देखने को गए, मैंने आज तक अब उनकी निकाह की तारीख भी तय हो गई है, थोड़े दिनों में निकाह भी हो जाएगा, लेकिन आज तक मैंने लड़की वालों को ये नहीं पूछा तुम्हारी बिरादरी कौन सी है, आज तक नहीं पूछा मैंने उनको, आज तक भी नहीं पूछा। मेरे लड़के को वो लड़की पसंद आ गई, चलो मैं बोला ठीक है कोई मसला नहीं, पसंद आ गई कोई बात नहीं है, लड़की वाले घर का माहौल अच्छा है, दीनदार है, माशाल्लाह बच्ची जो है कुरान पाक वगैरह आता, हालांकि वो गरीब लोग है बेचारे, कोई ऐसे बड़े करोड़पति बंगले वाले हवेली वाले और कार वाले और बड़े बड़े जो है हायर एजुकेटेड लोग नहीं है, गरीब लोग है वो, लेकिन हमारे लिए वो चीजें मायने नहीं रखती, वो गरीब है या किस खानदान के है, हमारे लिए मायने ये रखती है कि लड़की में दीनदारी कितनी है, घर का माहौल ठीक है, दीनदारी है, बस काफी है हमारे लिए, बाकी हमको किसी चीज के तहकीक की जरूरत नहीं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल अमल करने वाला इंसान हूं इस बस, तो इसके लिए क्योंकि सबसे मेन और अहम चीज यही है। तो ये जो अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 शुरू हुआ है कि आप अपने लिए जो लड़का या लड़की चूज कर रहे हो उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए, वो क्वालिटीज हम आपको बताएंगे जो चीजें वाकई में भी देखने की है, जो चीजें वाकई में भी देखने की है वो देखो ना आप, वो हम आगे बताएंगे ना अभी, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है,
और जो चीजें इग्नोर करने की है उसको इग्नोर करो। और इग्नोर के अंदर ये पहली चीज है हमारी, कौन सी चीज है? पहली बिरादरी, खानदान और जात। क्योंकि इंडिया के कोई खानदान का कोई एतबार नहीं है। ये जो लड़का लड़की देखने का जो डिसीजन है उसमें से पहली चीज जिसको निकालना है, जिसको रिमूव करना है, वो चीज है बिरादरी और खानदान। इसको आपने रिमूव कर दी, अब आपका फोकस है सिर्फ भाई लड़का मुसलमान भी रहा तो चलेगा या लड़की भी। बिरादरी खानदान आपने निकाले, अब वो सिर्फ मुसलमान रही तो भी चलेंगी। अब उस लड़की में, उस लड़के में आपने क्या देखना चाहिए? चलिए तो फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको सुनाते हैं आगे जो है उसके अंदर आपने क्या देखना चाहिए। तो किताब में से पढ़ के हम आपको बताते हैं कि क्या उसके अंदर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। मैं किताब को नीचे ले रहा हूं, यानी वो उसके पेजेस जो है उसको ले रहा हूं। चलिए अब देखो, अब हम जो है आते हैं, जो इसके अंदर चार चीजें बताई गई है हदीस में जो है ना, चार चीजें बताई गई है कि मर्द या औरत से जब निकाह किया जाता है तो चार बातें देखी जाती है, माल, खूबसूरती, खानदान और दीनदारी। अब ये जो एक चीज है कौन सी? खानदान बिरादरी, उसको हमने बाहर निकाल दी, वो हो गया हमारा चैप्टर। अब दो चीजें रही, एक तो माल है और दूसरे खूबसूरती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे माल को देखकर शादी करना, यानी माल की बुनियाद पर शादी करने के नुकसान क्या क्या होते हैं और क्या क्या जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो पहले हम किताब में से पढ़ लेते हैं। चलो, बाज लोग माल या जाह की लालच में या दीगर खानदानी मसलिहतों के सबब से अपनी लड़कियों का किसी बद अकीदा या बद अमल मर्द से निकाह कर देते हैं, वो बद एतेकादी हद कुफर तक पहुंची हुई होती है, तो जाहिरी कैफियत के अलावा उम्र भर के लिए ये खराबी लाजिम आती है कि जिना का इरतेकाब लाजिम आता है। फिर अगर औलाद हुई वो भी गैर हलाली हरामी, और अगर हद कुफर तक ना पहुंचे तब भी हर वक्त रूहानी अजाब रहता है। चलिए अब देखो, यहाँ पे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा हुआ है, अक्सर जो लोग सिर्फ माल वाला लड़का या माल वाली लड़की जो देखते हैं, ये पहली चीज तो ये होती है कि ये होते हैं लालची लोग। और ये लालची लोग, अब पहले लड़के पे हम बात करेंगे, ये सिर्फ माल वाला लड़का क्यों देखते हैं पता है आपको? इनकी सोच ऐसी होती है, इनकी थिंकिंग ऐसी होती है, बोले भाई लड़का अगर बंगले वाला है, लड़का अगर कार वाला है, लड़का अगर जो है एकदम आलीशान बिजनेसमैन वगैरह है, तो उसके घर में अगर हम हमारी बेटी की शादी करेंगे तो बेटी हमारी वहां पे खुशहाल रहेगी। ये उसके माँ बाप की मेंटेलिटी होती है, यानी वो अपने बेटी की खुशहाली देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज जो है ना पेपर के ऊपर लिख कर देता हूं, मैं आपको अगर आप में से किसी को चाहिए ना तो मैं आपको पेपर के ऊपर राइटिंग में देता हूँ, रिटर्न में देता हूँ ये चीज लिख कर, कि ये जितने जिन लोगों के पास जितना ज्यादा माल होता है उतनी ज्यादा उनकी बीवियां परेशान होती है। कैसे परेशान होती है चलिए हम आपको बताते हैं। अक्सर क्या होता है, माल वाले जो लड़के होते हैं वो होते हैं अय्याश, उनको अय्याशी की आदत होती है। शादी के पहले ही कई लड़कियां ऐसी होती है जो उनके गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में होती है, बहुत सी तो ऐसी भी हो जाती होंगी जिनके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशंस बनाए हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी, यानी वो जो इतनी लेट शादियां करते हैं। आपने देखना अक्सर आपको मालदारों के लड़कों की शादियां अबाउट 30 ही मिलेंगी। उसका रीजन ये रहता कि बीच के ड्यूरेशन में वो लोग सिर्फ अय्याशी करते रहते हैं, उनके नजदीक ये जिना और ये बदकारी, इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती। शादी क्यों की करते हैं वो लोग? वो शादी इसलिए नहीं करते हैं कि औरत के साथ में अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया जाए या औरत के साथ में एक पुरसुकून पुर इत्मीनान जिंदगी बनाई जाए, बल्कि उनके शादी करने का मकसद सिर्फ ये होता है भाई अपने खानदान का की जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाए, एक आध दो बच्चे ये औरत से पैदा कर लेंगे ताकि अपने खानदान का नाम भी रहे, बाकी तो उनको रिलेशन बनाने के लिए बाहर फिर उनके लपड़े लोचे चलते रहते हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, कि मैंने ऐसे लोग देखा हुआ हूं जिन्होंने शादियों के बाद में भी गैरों की जो औरतें हैं उनकी रखी हुई थी, बाद में वो औरतों से भी उनके बच्चे पैदा हुए, वो औरतों से भी, यानी वो औरतें जो थी गैरों की, वो औरतों से भी मुसलमानों की औलादे पैदा हो गई। अब वो औरतें तो गैर है, वो जिस मजहब की मानने वाली है
ये मुसलमान साहब की औलाद भी उसी मजहब को मान रही है, और इनकी जो सगी बीवी है, जो लीगल बीवी है, उससे जो पैदा हुए बच्चे हैं, वो बच्चे और वो जो गैर की औरत के बच्चे, सेम टू सेम कॉपी, भाई 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 कैसे रहते हैं, भाई भाई एकदम सेम टू सेम। यानी बाज औकात ऐसा भी होता था कि किसी को जो है ना वो हो जाता था, यानी क्या बोलेंगे उसको, एक कभी कभी जो है ना मतलब इससे बात करना है ये छोड़ के वो उसी को बात कर देते, अरे रफीक भाई, अरे बोले भाई मेरा नाम रफीक नहीं, मैं रफीक नहीं हूँ, तो यार तेरी सूरत रफीक के जैसी क्यों है। तो पता चला कि रफीक के बाप ने उसको जो है बगैर शादी के रखा हुआ था, तो उसके भी बच्चे जो है रफीक के बाप के जैसे ही सूरत वाले पैदा हो गए। ये प्रॉब्लम है हमारा। पता चला कि रफीक का बाप जो है करोड़पति है, उसको पहले से ये सब चीजों की आदत थी, लेकिन लड़की के माँ बाप ने क्या देखे, अरे बोले वो दौलत वाला है, माल वाला है, और ये सारी चीजें देखने के बाद में उन्होंने तो अपनी, उनको क्या लगा हमारी बेटी आयश में रहेंगी, आपकी बेटी आयश में नहीं है, बल्कि आपकी बेटी टेंशन में है, उसको सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, रहने को बंगले में है और सारी चीजें हैं, सब कुछ है वहां पे, लेकिन जिसे मियां बीवी के दरमियान का प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, दोनों का एक दूसरे से जो अटैचमेंट होता है वो कहते हैं, वो वहां पे है ही नहीं। वहां पे उस चीज का कोई सवाल ही नहीं है। ये मैं आपको एक नहीं, मेरे पास ऐसी ऐसी जो है ना ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं बयान करने के लिए कि जो लोग मालदार लड़का देखकर हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएंगी, सिर्फ माल देखे उन्होंने। और मैंने मेरे ख्याल से कल या परसों एक वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं भाई बाप ऐसा है, दादा वैसे है, उनकी जायदाद ऐसी है, उनकी प्रॉपर्टी वैसी है, ये देखकर भी लोग दे देते हैं। वो बेटे को देखते ही नहीं है, वो शराब का आदि है, वो जुए का आदि है, वो बुरी आदतों का आदि है। अब मैंने आपको ये जो मिसाल दिया हूं, ऐसी ही एक दो मिसालें और मैं आपको देता हूं बिगड़े हुए मालदार लड़कों की, जिनमें से एक जो है उनके बाप की मीरास में से उनके हिस्से में 30-30 एकड़ जमीन आई थी, 30 एकड़, यानी एक एकड़ जो जमीन है आज मार्केट रेट के हिसाब से उसकी कीमत है 10 लाख रुपये। तो 10 को आप 30 से जो है ना ये करो, मल्टीपल करो, तो 10 को 30 से जरब देंगे तो वो होते हैं 3 करोड़ रुपये। यानी जिनके पास में, जिनके बाप दादाओं ने अपने औलाद के लिए जिनके हिस्से में 3 करोड़ की जमीन आई और कम से कम 1-1.5 करोड़ का घर आया, लेकिन आदतें खराब थी। मैंने बताया ना बड़े पैसे वालों की औलाद, तो अब आदतें जो खराब थी, शराब, जुआ और इस तरह से बाहर जो है गैरों की औरतें रखी हुई है, ये चक्करों के अंदर वो 30 एकड़ में से 1 एकड़ बिकी, 2 एकड़ बिकी, 5 एकड़ बिकी, बिकते बिकते मुझे रोना आता है, रोना, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे रोना आता है। उन्हीं उसी इंसान को मैं आज देखता हूं ना, तो आज उसके घर पे जो रिश्तेदार है रमजान के महीने में कोई सदका दे रहा है, वो भी उसके बीवी को देखकर, और उसकी बीवी बीवी जो है वो एक क्लास 1 ऑफिसर की बेटी थी, जिन्होंने ये सोच के अपनी बेटी वो घराने में दिए थे, अरे बाप ऐसा है, दादा वैसा है, अरे वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बंगले वाले हैं, हवेली वाले, अरे बेटे को क्या देखने का, उसके हिस्से में तो बोले 50-60 एकड़ जमीन तो आई जाएंगी, और वो आई भी, 30 एकड़ जमीन आई। अरे लेकिन वो जो जिसके हिस्से में आई उसको वो जमीन रखना नहीं आया ना, वो पहले से ही बुरी आदतों का, खसलतों का शिकार था, उसने जो है वो सारी जमीनें, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, लोग सदके जकात देते हैं, और जो लोग सदके जकात देते हैं ना उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो उस घराने के अंदर जो है जकात वगैरह रमजान के महीने में, रमजान के बाद में भी जैसा हुआ वैसा उनका ताउन करते हैं, सिर्फ इस वजह से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो उरूज का जमाना जो शायर ने कहा है ना, उरूज के बारे में भी शायर ने कहा है, बोले शायर ने उरूज के बारे में भी कहा है, मुझे वो शेर अभी याद नहीं आ रहा, चलो जब याद आएगा मैं सुनाता आपको। तो वो एक मिसाल हो गई, और दूसरी भी और मालदार की मिसाल के एक और साहब जो है, उनके दादा जो है कम से, उनके दादा भी, दादा के पास कम से कम 500 एकड़ जमीन, और फिर बेटों को मिली, बेटों से फिर इनके हिस्से में भी 25-25, 30-30 एकड़ जमीन आई। उसके बाद में इनका बिजनेस भी अच्छा था, इन्होंने एक जगह पे जो है पार्टनरशिप की है किसी के साथ में, और जिसके साथ में पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप में मुझे किसी ने बताया, बोले उनको 1 करोड़ रुपये मिले प्रॉफिट के अंदर, 1 करोड़ रुपये।
अब 1 करोड़ है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन आदत पड़ी हुई है अय्याशी की, जुए की, शराब की। तो उन्होंने अपने दोस्तों से और उनका जो फ्रेंड सर्कल था, बोले चलो रे, बोले जुआ खेलने को कहाँ चलने का, बंबई को चलो। बोले बंबई को, अपने गांव में तो बड़े बड़े जुए खाने हैं नहीं, बोले यहाँ पे तो लोगों की औकात भी नहीं है अपने साथ में जुआ खेलने की, चलो बोले बंबई को जाके खेलेंगे। बंबई को जाके पत्ते खेल रहे हो, बंबई को जाके वहां पे जो है वो 1 करोड़ रुपये उन्होंने चंद महीनों के अंदर जुए में हार गए। फिर अब पैसे हारे तो आदत पड़ गई हुई थी पैसे हारने की, तो खेती बेचे वो हार गए, घर बेचे वो हार गए, और शराब और दारू पीने की जिसको आदत पड़ गई हुई थी, वो इंसान के बेवा को भीख मांगने की नौबत आई। मतलब ये कैसे मर्द भी रहते होंगे यार, ये इनके दिल में इतना भी वो नहीं रहता कि भाई हम हमारे जो है बाद में हमारी औलादों का क्या हाल होगा, ये जुए खेलने वाले शराब पीने वालों को, इनको सालों को इतनी भी अक्ल नहीं रहती क्या इन लोगों को, बच्चे ऐसा भूख से बिलबिला रहे यार, कैसा मतलब मुझे आप बताओ ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, हम जो खाली माल 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 पैसा देख के, लड़का पैसे वाला चाहिए, कोई फायदा नहीं है लड़का पैसे वाला देखकर। और ऐसे ही जो लोग देखते हैं, बोले लड़की पैसे वाली चाहिए, लड़की बंगले वाली चाहिए, लड़की जॉब करने वाली चाहिए। अब मेरे पास में लड़कियों की भी कम से कम 50 मिसालें हैं ऐसी, जिन लोगों ने पैसे वाली लड़की देखे। तो एक बात याद रखो, आपको ये लगता होगा कि भाई पैसे वाली लड़की देखे तो वो आपका सपोर्ट करेंगे या आपको जो है, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। जो भी पैसे वाले लड़की वाले होते हैं ना, वो आपसे भी बड़े लालची होते हैं, एक बात याद रखो, वो तुम्हारे से डबल लालची रहते हैं। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, उसकी बीवी भी डॉक्टर थी, दोनों की भी बीच में जो है ना तलाक हो गई। पता है आपको तलाक का रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ ये था कि दोनों मियां बीवी मिलकर क्लिनिक चलाते थे और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उनका क्लिनिक चल रहा था, और रोजाना जो है कम से कम उनका जो गल्ला है वो 10,000-15,000 ऐसा आता था रोजाना का भी। लेकिन जो लड़की का बाप है ना, उसको शक, यानी उसको ये शक होता था कि भाई मेरा जो दामाद है, मेरी बेटी भी कमा रही है और वो दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ये अपने रिश्तेदारों पे तो नहीं लुटा दे रहा, कहीं ये अपने भाइयों पे तो नहीं लुटा रहा, ये अपने खानदान वालों पे तो नहीं लुटा रहा। इसके लिए वो लड़की का बाप जो है ना, वहां डेरा डाल के बैठे हुआ रहता था अपने दामाद के घर में, रोजाना कितना गल्ला आ रहा, क्लिनिक के आजू बाजू फिर रहा, वहीं रह रहा, यानी वो उसके गांव से 150 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन वो वहीं आके बेटी के घर पे पड़ा हुआ है खाली निगरानी करने को। आज मेरी बेटी के कितने पेशेंट आए थे, आज कितनी उनकी आमदनी हुई, अब वो घर पे जाके गिन रहे तो ये बुढ़ा पूरी नजर रख रहा उसके ऊपर, पता नहीं क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे। अब उसके बाद में जो है वो लड़के को गुस्सा आया वो डॉक्टर को, उसने बोला यार तुम जाओ ना, बोले तुम्हारे गांव में जाओ, घर पे जाओ, मेहमान बन के हमारे घर पे आए हैं तो 8 दिन रहो, 15 दिन रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, बोले तुम डेरा डाल के महीने भर से पड़े हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बोले तुम हर महीने को आओ, बोले तुम लेकिन 1 दिन 2 दिन रहो, बाद में चले जाओ। यार ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, बोले आपका। उसको बुरा लग गया बूढ़े को, और ये मसले पे से आपस में लड़ाई झगड़े हुए, और फिर मसला यहां तक पहुंचा के फिर एक दूसरे के खिलाफ केस हो गए, तलाक हो गई। वो डॉक्टर ने आज दूसरी बीवी करा, वो लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर पे, उसका बाप खुद उसका क्लिनिक खोल के बैठे हुआ है और अब बाप ही पैसे वसूल कर रहा उसके। उसने बोला मैंने डॉक्टर बनाया था तो मैं अपने बेटी की कमाई खाऊंगा। ये थिंकिंग है, ये इंडिया की थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोगों को लगता है ना बड़े घराने की लड़की करेंगे, टीचर लड़की करेंगे, हायर एजुकेटेड लड़की करेंगे, करोड़पति घराने की लड़की करेंगे, कुछ फायदा नहीं है। मुझे आप बताओ मैं यार, जो गालिब साहब ने कहा है, बोले उम्रे दराज मान के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अरे जिंदगी का मकसद है इंजॉयमेंट, लाइफ को इंजॉय करना, इंजॉय मजा इंटरटेनमेंट अपनी लाइफ का अपनी वाइफ के साथ। तो जो इंसान इस तरीके से इंजॉय कर रहा है उसकी लाइफ में, उसकी वाइफ जो है उसको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है और माशाल्लाह दोनों की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, ये है असल लाइफ, इसको जिंदगी बोलते हैं, ये असल में जिंदगी का मकसद है ये। और अगर जिंदगी पूरी खाली कमाने में, खाने में और बस इसी में टेंशनों में गुजर रही है तो भाई तुम्हारा शादी करके फायदा क्या है, मुझे आप बताओ। तो इसके लिए आज का जो सबक था ये खत्म हो गया। 3-4 चीजें जो थी अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसब नसब, मालदारी, दीनदारी और खूबसूरती। तो हमने 2 चीजें कवर कर ली, हसब नसब के बारे में बता दिए हमने आपको कल के सबक में, ये फालतू है, ये इंडिया में जितनी बिरादरियां हैं इसकी कोई हकीकत नहीं, इसलिए इस चीज को रिमूव कर दो अपनी लिस्ट में से कि लड़का या लड़की कौन से खानदानिया बिरादरी के है। वो मुसलमान होना सिर्फ ये शर्त है बस,
एक चीज तो ये, और आज हमने आपको मालदारी पे बता दिए, अपनी लिस्ट से मालदारी भी निकाल दो कि लड़की करोड़पति घराने की होना चाहिए या लड़का जो है मोहम्मद बिन सलमान के लेवल का होना चाहिए, ये भी अपनी लिस्ट से निकालो। अब उसके बाद आगे की जो दो बातें हैं, एक तो खूबसूरती है, तीसरा जो है, चौथा जो है दीनदारी है। उसके बाद में भी और कुछ चीजें हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे दोनों की मेंटालिटी का मैच होना है, और उसके अलावा फिजिकल फिटनेस वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब आगे के एक एक सबक में आएंगी इंशाल्लाह। आज का सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए चलिए, ये औरंगाबाद से एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा सबक था, आप ये सबक सबक की किताब शाये करो दूल्हा दुल्हन कोर्स के नाम से, इंशाल्लाह जरूर। शाहरुख भाई, ये शाहरुख भाई है हमारे औरंगाबाद से, हमारे स्टूडेंट, उनका ये मशवरा है, जरूर इंशाल्लाह शाहरुख भाई दूल्हा दुल्हन कोर्स की किताब पे भी काम शुरू करेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद से, इनका भी एक वॉइस मैसेज है, तो मौलाना आपका वॉइस मैसेज जो है मुझे इधर, असल में मेरे लैपटॉप में भी व्हाट्सएप चालू रहता, मैं उसी में देखता हूँ आप लोगों के मैसेज, लेकिन सुन लेता हूँ मैं आपका क्या मैसेज। आवाज क्यों नहीं आ रहा आपके मैसेज का मतलब? अच्छा, इसमें आवाज ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं है इसके अंदर, या मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम? अरे आवाज नहीं आ रहा है मौलाना के मैसेज का। ठीक है, चलिए, ये भी नांदेड़ के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका मैसेज है, आज के लेक्चर में बहुत नॉलेज मिली, दिल खुश हो गया सुनकर। चलो भाई, जजाकल्ला खान साहब, आपका फीडबैक हमको मिल गया माशाल्लाह। सवाल देखो आप, और अगर किसी का कोई सवाल है ना तो आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जो है पूरा उसका रिप्लाई देने की। फिर ये आया है सवाल मौलाना का, मौलाना आपका आवाज ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो है, या मुझे री स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार री स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है मेरे मोबाइल में कुछ इशू आ जाए, हो गया हो। चलो, बाकी लोगों का अगर तहरीरी तौर पे कोई सवाल है तो भेजो, सामने भी व्हाट्सएप ओपन है अपने। चलिए, ये एक सवाल आया है, कल एक सवाल किया था कि मेरी बहन आलिमा है, जो लड़का शादी के लिए देखा गया है वो हाफिज या आलिम नहीं है, नहीं वो दावत तो तबलीग में वक्त लगा हुआ है, नमाज की पाबंदी 5 टाइम की नहीं, छोड़ पकड़ है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का काम करता है, पेमेंट भी अच्छी है, तो ऐसी हालत में रिश्ता करना कैसा है? लड़के को और लड़के के घर वालों को लड़की पसंद है और वो तैयार है शादी, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं शादी के लिए, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब? देखो, रिश्ता तो कर देना चाहिए, ऐसी हालत में ये देखना जरूरी है कि लड़के को शराब जुए की आदत तो नहीं है, बाकी नमाज छोड़ पकड़ वगैरह करता है, तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी रहते हैं उनकी शादियां होने के बाद अगर बीवी उनकी दीनदार है तो वो दीनदार बीवी की बरकत से नमाजी बन जाते वो लोग। हमारा एक पहचान वाला तो ऐसा भी है जो 24 घंटे नशे में रहता था, लेकिन बीवी उसको दीनदार ऐसी मिली कि अब वो तहज्जुद गुजार है, वो पहले जो पैसा उसका जुए खानों में और शराब खानों में बर्बाद होता था सिर्फ उसके बीवी की वजह से, जमात वालों को खाना खिलाने पे आज वो पैसा खर्चा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लड़का जो है ना, अगर वो जुआ शराब की आदत नहीं, बाकी एक वक्त एक दो वक्त की नमाज वो पढ़ता है, तो फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत से हैंडल करके शादी के बाद में उसको 2 2 दिन 3 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लेके निकले तो सारी आदतें निकल जाएंगी उसको। लेकिन रिश्ता ठीक है, अच्छा है, फौरन जो है वो रिश्ते को हाँ कर देना चाहिए आपने मेरे हिसाब से। चलिए, अब और मुझे किसी का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है तो हम आप तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं इंशाअल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।